लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई व समस्तीपुर से सांसद रामचंद्र पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुआ। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात रामचंद्र पासवान को सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। देर रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर वो वेंटिलेटर पर रखे गए थे। उसके बाद उनकी मौत हो गई। रामचंद्र पासवान के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि रामचंद्र गरीबों के लिए काम करने वाले राजनेता थे, उनके निधन से गहरा दुख हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि रामचंद्र पासवान किसानों, युवाओं और गरीब तबके के लोगों के लिए काम करते थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रामविलास पासवान अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो रामचंद्र पासवान सबसे छोटे। रामचंद्र पासवान बिहार के समस्तीपुर से लगातार चार बार से सांसद थे। हमारे लिए चिराग है, प्रिंस है, उनका लड़का छोटू है, सब परिवार के लोग। सर पटना जाएंगे क्या? सर पटना आज रात में जो है यही 18 नंबर में राजेंद्र प्रसाद रोड में उनका बॉडी रहेगा, और कल 9:30 बजे से जो है वीवो से हम लोग पटना जनरल फ्लैट से पटना जाएंगे, और शाम में जो है वहाँ दाह संस्कार जो है वहाँ क्या कहते हैं पटना में जो है होगा।